नेपाल एक ऐसी जगह जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़, दुनिया के सबसे प्यारा एनवायरनमेंट, सबसे साफ हवा और सबसे प्यारी नेचुरल ब्यूटी आपको मिलेगी, उस जगह को हम नेपाल कहते हैं। नेपाल एक ऐसी जगह है जहाँ पूरे साल दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ जगह तो ऐसी है जो साल के कुछ महीने खचाखच भरी होती है। अगर आपको लेजर ट्रिप करना है या फिर आपको एक हिस्टोरिकल ट्रिप करना है या फिर आप एडवेंचर लवर है, तीनों केसेस में आपके लिए नेपाल एक बहुत ही बढ़िया टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल एंड वेलकम टू अनुज बके। आज इस वीडियो में हम आपको आने वाले हैं नेपाल में घूमने की सबसे बढ़िया जगहें। जी हाँ, टॉप प्लेसेस टू विजिट इन नेपाल आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे वो जगहें कौन कौन सी हैं, वहाँ घूमने की टिकट कितने की है, कैसे वहाँ तक पहुँचे, क्या स्पेशल है उन जगहों के बारे में, और इसी के साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन उन जगहों की आज हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो हमारी वीडियो एंड तक देखना, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन जिसके बाद घंटे के निशान के साथ आप दबा सकते हैं ऑल नोटिफिकेशन। तो अब नेपाल की टॉप प्लेसेस टू विजिट को एक आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये है नेपाल का मैप और आज हम नेपाल में घूमने वाली सारी बढ़िया जगहें समझने के लिए उन्हें तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें सबसे पहला पार्ट होगा वो जगहें जो नेपाल की कैपिटल काठमांडू सिटी के आसपास हैं, दूसरा पार्ट होगा वो जगहें जो नेपाल की बहुत ही बड़ी सिटी पोखरा के आसपास हैं, और तीसरा पार्ट होगा नेपाल की बाकी सारी जगहें जो नेपाल में अलग अलग जगह बिखरी हैं। इन सारी जगहों की एग्जैक्ट लोकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल मैप की लिस्ट के लिंक में मिल जाएगा, तो उस लिंक को क्लिक करें और इन सब जगहों की एग्जैक्ट लोकेशन भी गूगल मैप्स पे जाके देखें। तो इस लिस्ट में सबसे पहले काठमांडू के आसपास घूमने वाली जगहों का पार्ट शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है नंबर एक, श्री पशुपतिनाथ मंदिर। गाइस, हमारी अगली और सबसे इम्पोर्टेंट जगह जो है वो है काठमांडू में पशुपतिनाथ जी का मंदिर। जी हाँ, पशुपतिनाथ जी जो कि लॉर्ड शिवा जी के इनकार्नेशन माने जाते हैं और जो भगवान माने जाते हैं सारे पशुओं के। पशुपतिनाथ दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक मंदिर है जो कि नेपाल की कैपिटल काठमांडू में है। ऐसी मान्यता है कि एक बार शिव जी और पार्वती जी हिरण का रूप लेकर यहाँ पर आए थे और उसी हिरण के टूटे हुए सींग की पूजा यहाँ पर की जाती है। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू का सबसे फेमस मंदिर और काठमांडू में श्रद्धालुओं के द्वारा विजिट किया जाने वाला सबसे बड़ा मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर 1979 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया था। ये मंदिर दो जगहों के तट पर है, जिसमें सबसे पहली है बागमती नदी का तट और दूसरा है काठमांडू की कैपिटल ईस्टर्न बॉर्डर्स का तट। हर साल पशुपतिनाथ मंदिर लाखों की तादाद में श्रद्धालु शिव जी के दर्शन करने आते हैं। जी हाँ, पशुपतिनाथ मंदिर डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा यानी कि महादेव के लिए। ऐसा माना जाता है कि भारत में बसे 12 ज्योतिर्लिंग शिव जी के अंग है और पशुपतिनाथ मंदिर शिव जी का मुख यानी कि सर है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल काठमांडू की सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाली स्पिरिचुअल और टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है, जिसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक की, और यहाँ के एंट्री टिकट इंडियंस के लिए फ्री है और बाकी नेशनलिटीज के लिए है 1000 नेपाली रुपीज। नंबर दो, बौद्धनाथ स्तूपा। गाइस, हमारा अगला डेस्टिनेशन है जगह का नाम है बुद्धा स्तूपा भाई। ये एक बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल भी है, हजारों लाखों की संख्या में लोग रोज श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, और सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं, नेपाल आने वाला, काठमांडू आने वाला हर एक टूरिस्ट बुद्धा स्तूपा जरूर घूमने आता है। जैसे कि आप अभी भी यहाँ पे देख रहे होंगे, इतनी भीड़ है, इतना रश है कि आपको बुद्धा स्तूपा के अंदर जाने के लिए भी कम से कम आधे से पौने घंटे की लाइन में लगना पड़ेगा। बौद्धनाथ स्तूपा नेपाल की कैपिटल सिटी काठमांडू से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर बसता है, जो कि सिर्फ नेपाल की ही नहीं बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा स्पेरिकल शेप्ड गुम्फा यानी कि स्तूपा है। हर रोज यहाँ पे हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं यहाँ की परिक्रमा करने के लिए। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि अगर आप बौद्धनाथ स्तूपा की एक परिक्रमा कर लें तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे और नर्क के दरवाजे आपके लिए हमेशा बंद हो जाएंगे। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ की परिक्रमा करके आपको मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। बौद्धनाथ स्तूपा 1979 में एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। बौद्धनाथ स्तूपा में आपको 50 तिब्बतियन कॉन्वेंट दिखेंगे, जिन्हें गोम्फा भी कहा जाता है, और 1959 से ये जगहें तिब्बतियंस के लिए एक रेफ्यूजी कैंप्स का काम करती हैं। बौद्धनाथ स्तूपा पूरे दिन खुला होता है और यहाँ की इंडियंस के लिए एंट्री फीस है 100 नेपाली रुपीस और बाकियों के लिए है 400 नेपाली रुपीस। नंबर तीन, श्वयंभू महाचैत्य स्तूपा या फिर मंकी टेम्पल। तो गाइस, ये है हमारी अगली जगह। इस जगह का नाम है श्वयंभू महाचैत्य। श्वयंभू महाचैत्य एक धार्मिक स्थल है जो कि वेस्ट काठमांडू की काठमांडू वैली की पहाड़ियों पे बसा है। इसका तिब्बतीय नाम श्वयंभू महाचैत्य है, जिसका मतलब होता है सबलाइम ट्रीज, क्योंकि इस पहाड़ी पे काफी सारे तरीकों के पेड़ पाए जाते थे, इसलिए इसको एक धार्मिक स्थल बना दिया गया है। इस जगह को मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुराने समय पे इस पहाड़ी में एक बंदरों का झुंड रहा करता था। शंभूनाथ मंदिर या फिर शंभू महाचैत्य स्तूपा या फिर मंकी टेम्पल से जिस जगह को हम लोग जानते हैं, वो जगह काठमांडू के मेजर लैंडमार्क में से एक है। काठमांडू के हिल टॉप पे तकरीबन 3 किलोमीटर वेस्ट में बसा है शंभू महाचैत्य स्तूपा। ये एक होली श्राइन है जिसमें आपको बुद्धा जी की चमकती हुई आंखें देखने को मिलेंगी। ये जगह भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये जगह ऑफर करती है आपको काठमांडू वैली का एक बहुत ही सुंदर दृश्य। श्वयंभू मतलब होता है सेल्फ क्रिएटेड यानी कि खुद बनाया
बनाया गया और यहाँ की धार्मिक आस्था ये बिलीव करती है कि ये जगह अपने आप क्रिएट हुई थी 2000 साल पहले जब इस वैली का निर्माण हुआ था। स्वयंभू महाचैत्य स्तूपा जाने के लिए आपको तकरीबन 300 से 400 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी या फिर आप अपने पर्सनल व्हीकल से पीछे के रास्ते से भी यहां जा सकते हैं जहां पे सिर्फ 50 से 60 सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ती हैं। स्वयंभू महाचैत्य स्तूपा पूरे दिन खुला होता है और यहां की एंट्री फीस है इंडियंस के लिए 50 नेपाली रुपीस और बाकियों के लिए 200 नेपाली रुपीस। नंबर 4 थमेल एरिया। तो गाइस ये है हमारी अगली जगह। इस जगह का नाम है थमेल। काठमांडू का जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है वो है ये थमेल मार्केट। ये एक्चुअली एक एरिया है जो एक बहुत ही बड़ी मार्केट के तरीके से है। यहाँ पर आपको हर तरीके के रेस्टोरेंट, होटल, बार, कैफे, रात को मस्ती करने की जगह, हैंग आउट की जगह, मतलब पूरा 2-3 घंटे स्पेंड करने का टाइम मिल सकता है। अगर थमेल को काठमांडू सिटी का सबसे बड़ी मार्केट और सबसे क्राउडेड एरिया माना जाए तो गलत नहीं होगा। काठमांडू का थमेल एरिया काठमांडू का सबसे बड़ा कमर्शियल हब है और तकरीबन पिछले एक दशक से ये काठमांडू के सारे टूरिस्ट को एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देता आ रहा है। इस जगह को फॉर्मली कहा जाता है तबिता बहल और इस जगह पे आपको हर तरीके की दुकानें, पब्स, रेस्टोरेंट्स और बहुत ही सुंदर मंदिर भी देखने को मिलेंगे। अगर आप अच्छा खाना ढूंढ रहे हैं, एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां पर आप अच्छा म्यूजिक सुन सके, अच्छे ट्रैकिंग गियर ले सके और नेपाल से घर ले जाने के लिए बढ़िया सोविनियर देख सके तो थमेल एरिया आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है। थमेल के पूरे एरिया में आपको फ्री वाईफाई भी मिलेगा और यहां की स्ट्रीट्स पे आपको हजारों दुकानें मिलेंगी जहां से आप शॉपिंग कर सके। बस ये ध्यान रखिएगा कि थमेल एरिया की स्ट्रीट्स एक भूल भुलैया की तरह है, इसलिए आप वहां खो ना जाएं। थमेल एरिया पूरे दिन खुला होता है और यहां आने की कोई फीस नहीं है। नंबर 5 भक्तापुर दरबार स्क्वायर। भक्तापुर दरबार स्क्वायर की सबसे स्पेशल बात यह है कि ये 14वीं से 15वीं सेंचुरी तक बिलोंग करता था माला एम्पायर को और 15वीं से 18वीं सेंचुरी तक भक्तापुर के राजाओं को। और इस दरबार स्क्वायर का सबसे स्पेशल पार्ट है यहाँ का रॉयल पैलेस जो बनवाया गया था 1427 में और जिसमें सबसे स्पेशल बात है यहाँ की 55 खिड़कियाँ। जी हाँ, कहा जाता है कि यहाँ के रॉयल पैलेस में 55 खिड़कियाँ हैं। नेपाल के 3 सबसे बड़े दरबार स्क्वायरों में एक है भक्तापुर दरबार स्क्वायर। ये नेपाल की वो बेस्ट जगह है जहाँ पर आपको नेपाली ट्रेडिशन देखने को मिलेगा। नेपाल की कैपिटल काठमांडू से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर है मंदिरों की ये सिटी भक्तापुर। ये सिटी बहुत बड़े बड़े मंदिरों से घिरी है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत पुराने एंशियंट हेरिटेज। भक्तापुर दरबार स्क्वायर भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है और 2015 में आने वाले अर्थक्वेक में सबसे ज्यादा इफेक्ट इसी दरबार स्क्वायर को पड़ा था। जब भी आप यहाँ घूमने जाएं, यहाँ पर आकर जरूर देखें यहाँ का नायत्ता पोलो मंदिर, ताऊ मंडी स्क्वायर और दत्तात्रेय टेम्पल। भक्तापुर दरबार स्क्वायर की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक और यहाँ की एंट्री फीस है इंडियंस के लिए 500 नेपाली रुपी और बाकियों के लिए 1800 नेपाली रुपी। नंबर 6 नेशनल म्यूजियम ऑफ नेपाल। इस जगह पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको यहाँ घूमना। यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल एंड मॉडर्न पेंटिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल दिखेगी। किंग्स ऑफ मला और शाह डायनेस्टी की बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। बहुत सारे हिस्टोरिकल नेपाली वेपन देखने को मिलेंगे। मतलब अगर आपको नेपाल की असली हिस्ट्री जाननी है तो आप ये म्यूजियम घूम सकते हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेपाल जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है, ये जगह नेपाल की कैपिटल सिटी में बसी एक बहुत ही बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। कहते हैं ये तकरीबन 100 साल पुरानी है और 100 सालों से इस म्यूजियम ने नेपाल की हिस्ट्री और हेरिटेज को संभाल के रखा है। इस म्यूजियम में आपको दिखेगा हिस्टोरिकल म्यूजियम बिल्डिंग, द बुद्धिस्ट आर्ट गैलरी एंड जुद्दा जैतीय कलाशाला। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेपाल में आप देख सकते हैं नेपाल का कल्चर, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, नेपाल के पुराने वेपन्स, आर्ट वर्क, कॉइन्स और स्टैचूज। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेपाल ने नेपाल की ग्रोथ में एक सिग्निफिकेंट रोल अदा किया है। इस जगह की टाइमिंग है सुबह 10:30 बजे से लेके शाम 4:30 बजे तक और यहाँ की एंट्री फीस है इंडियंस के लिए 50 नेपाली रुपए और बाकियों के लिए 150 नेपाली रुपए। नंबर 7 काठमांडू दरबार स्क्वायर या फिर हनुमान धोखा दरबार। काठमांडू दरबार स्क्वायर एक एक्चुअली में एक एरिया है जहाँ पर आपको एक क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग मिलेगा और ये पूरा एरिया इतना जबरदस्त है घूमने के लिए कि यहाँ पे आपको घूमने कम से कम 1-1.5 घंटा लग सकता है। अब ये जगह है क्या? काठमांडू के ओल्ड रॉयल पैलेस के सामने एक कोर्टयार्ड बना हुआ है जिसको बोलते हैं काठमांडू दरबार स्क्वायर। पुराने जमाने में इस जगह पर पुरानी रॉयल सेरेमनीज, बड़े बड़े सेलिब्रेशन, राजाओं का राज तिलक और ये सब हुआ करता था, लेकिन आज के जमाने में ये एक बहुत ही बड़ा टूरिस्टिक स्पॉट है। यहाँ पे कुछ बड़े मंदिर और बहुत अच्छे कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। नेपाल के 3 दरबार स्क्वायरों में से दूसरा दरबार स्क्वायर है काठमांडू दरबार स्क्वायर, जिसे हम हनुमान धोखा दरबार के नाम से भी जानते हैं। दरबार स्क्वायर वो जगह है जहाँ पे नेपाल के एक राजा के बाद दूसरे राजा की ताजपोशी की जाती थी और यहीं से नेपाल के राजाओं ने नेपाल पे बहुत समय तक राज किया है। कहते हैं पुराने जमाने में लगातार ढोल और नगाड़े पीटे जाते थे जब भी यहाँ पे किसी राजा की ताजपोशी होती थी। काठमांडू दरबार स्क्वायर नेपाल के ट्रेडिशन का एक बहुत ही बड़ा रिमार्केबल और वेस्टेज आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है। 2015 के भूकंप के बाद इस जगह को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन आज भी इसकी सुंदरता वैसे ही बरकरार है जैसे पहले थी। काठमांडू दरबार स्क्वायर को हनुमान धोखा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे माला डायनेस्टी का एक रॉयल पैलेस है जो कि माना जाता है कि 16वीं सदी का बनवाया गया है और इस जगह का नाम हनुमान धोखा पड़ा है यहाँ के पैलेस के गेट पे बने भगवान हनुमान जी की मूर्ति की वजह से। काठमांडू दरबार स्क्वायर की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से
लेके शाम को 6 बजे तक की। और यहाँ आने की एंट्री फीस है इंडियंस के लिए 150 नेपाली रुपए और बाकियों के लिए 1000 नेपाली रुपए। नंबर 8, व्हाइट मॉनेस्ट्री। नेपाल की कैपिटल सिटी काठमांडू में एक और ऐसी जगह है जहाँ पर जाने के बाद आपको असली शांति और सुकून का आभास होगा। उस जगह का नाम है व्हाइट मॉनेस्ट्री, जो कि अमिताभ मॉनेस्ट्री या फिर सेतु गोम्बा के नाम से भी जानी जाती है। नेपाल में आने वाला हर टूरिस्ट एक न एक बार व्हाइट मॉनेस्ट्री जरूर जाता है, क्योंकि यहां से काठमांडू का सबसे सुंदर सनसेट और सनराइज दिखता है। इस जगह से आपको पूरी काठमांडू वैली भी दिखेगी और आपको असली नेपाल की सुंदरता भी इसी जगह से दिखेगी। कोरोना के पेंडेमिक के बाद व्हाइट मॉनेस्ट्री काफी दिनों के लिए बंद कर दी गई थी, इसलिए वहां जाने से पहले ये जान लें कि वह अभी खुली है या नहीं। व्हाइट मॉनेस्ट्री की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और वहां की एंट्री सबके लिए बिल्कुल फ्री है। नंबर 9, पठान दरबार स्क्वायर। गाइस, हमारी अगली और बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये है पठान दरबार स्क्वायर। जी हाँ, इस दरबार स्क्वायर की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये बुद्धिज्म का एक सेंटर माना जाता था। यहाँ पे 50 से ज्यादा बिल्डिंगें सिर्फ बुद्धिज्म के ऊपर निर्धारित है। हालांकि पठान का पुराना नाम था ललितपुर और इस जगह का नाम आज भी ललितपुर है, लेकिन इस एरिया का नाम पठान दरबार स्क्वायर। नेपाल की कैपिटल सिटी काठमांडू से तकरीबन 5 किलोमीटर साउथ में पड़ता है पठान दरबार स्क्वायर और इस एरिया का नाम है ललितपुर। ललितपुर सिटी ऑफ ब्यूटी भी माना जाता है, क्योंकि पठान ललितपुर की सबसे पुराने टाउन में से एक है। पठान दरबार स्क्वायर में आपको मंदिरों का एक बहुत ही बढ़िया ग्रुप देखने को मिलेगा और इस जगह को यहाँ के लोकल लोग निवारी नाम याला से जानते हैं। इस निवारी आर्किटेक्चर एरिया में आपको देखने को मिलेगा यहाँ का कोर्टयार्ड, वुड और स्टोन से बने टेंपल और यहाँ का भव्य कैसल। ललितपुर का पठान दरबार स्क्वायर 4 स्तूपास से घिरा है, जिसे एम्परर अशोका ने बनवाया था। पठान दरबार स्क्वायर की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक और यहाँ की एंट्री फीस है इंडियंस के लिए 250 नेपाली रुपी और बाकियों के लिए 1000 नेपाली रुपीज। नंबर 10, गार्डन ऑफ ड्रीम्स। काठमांडू का गार्डन ऑफ ड्रीम्स, जो कि स्वप्न बागीचे के नाम से भी जाना जाता है और जिसका दूसरा नाम है गार्डन ऑफ 6 सीजन्स, ये काठमांडू का सबसे सुंदर गार्डन है। गार्डन ऑफ ड्रीम्स एक नियो क्लासिकल गार्डन है जिसे डिजाइन किया था किशोर नारसिंह ने 1920 में। इस गार्डन में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ का फेमस एम्पीथिएटर, यहाँ के बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर्स, यहाँ का पैरामीटर वॉकवे, इस गार्डन में पड़ने वाला पॉन्ड और इस गार्डन की भव्य सुंदरता। काठमांडू के लोकल्स और यहाँ के टूरिस्ट दोनों ही इस गार्डन को घूमने आते हैं। ये जगह नेपाल की कैपिटल सिटी काठमांडू की सबसे ज्यादा खूबसूरत और नेचुरल प्लेस है विजिट करने के लिए। गार्डन ऑफ ड्रीम्स की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक की और यहाँ की एंट्री फीस है 400 नेपाली रुपए सबके लिए। नंबर 11, ताऊदाह लेक। ताऊदाह लेक काठमांडू के आउटस्कर्ट्स में बसा एक फ्रेश वाटर लेक है, जो कि घिरा हुआ है घने हरे जंगलों से और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से। इस लेक में आपको देखने को मिलेंगी कई सारी मछलियाँ, बहुत सारी प्रजाति की माइग्रेटेड बर्ड्स और एक बहुत ही सुंदर वाटर बॉडी। ये जगह बर्ड वॉचिंग के लिए भी एक बहुत ही सुंदर जगह है। एक मान्यता के अनुसार ताऊदाह लेक पहाड़ी को काट के बनवाया गया था ताकि यहाँ पे रहने वाले जीवों को घर मिल सके। हालांकि आज के समय ताऊदाह लेक काठमांडू के आसपास की एक बहुत ही फेमस टूरिस्टिक डेस्टिनेशन बन चुका है। ताऊदाह लेक पूरे दिन खुला होता है और यहाँ आने की एंट्री फीस है इंडियंस के लिए 50 नेपाली रुपीज और बाकियों के लिए 70 नेपाली रुपीज। नंबर 12, भुवेश्वरी देवी। गाइज, ये है हमारी अगली जगह। इस जगह का नाम है शक्तिपीठ भुवेश्वरी देवी। ये मंदिर नेपाल की कैपिटल काठमांडू में पड़ता है और काठमांडू के सबसे फेमस पशुपतिनाथ टेंपल से ये जगह सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर एक शक्तिपीठ भी है और इसके बाद जाते हैं पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए, इसलिए आप जब भी काठमांडू घूमने आए इस मंदिर के दर्शन भी जरूर करें। भुवेश्वरी देवी मंदिर काठमांडू का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। यह मंदिर बसा है भागमती नदी के तट पे। भुवेश्वरी देवी मंदिर संसार में बसे 52 शक्तिपीठों में से एक है, जिसमें माना जाता है कि जब शिवजी माता सती का मृत शरीर लेके चल रहे थे तब विष्णु जी ने उस शरीर के 52 हिस्से कर दिए थे और वो 52 हिस्से जमीन पे जिस जिस जगह आके गिरे वहाँ एक शक्तिपीठ बन गया। और ऐसा माना जाता है कि काठमांडू के भुवेश्वरी देवी मंदिर में माता सती के दोनों घुटने यानी कि नीज आके गिरी थी। ये जगह हिंदुओं के लिए और तांत्रिकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है पूजा करने के लिए। भुवेश्वरी देवी का नाम ओरिजिनेट हुआ है एक संस्कृत वर्ड से, जिसमें भुया का मतलब है सीक्रेट और ईश्वरी का मतलब है गॉडेस। इस मंदिर को रेनोवेट कराया गया था राजा प्रताप मालिया के द्वारा 1654 में और ये एडवाइस उन्हें दी थी लंबा करना भट्टा ने, जो कि एक तांत्रिक थे। इस मंदिर में रखे जाने वाली प्रतिमा आपको सोने और चांदी से बनी दिखेगी। भुवेश्वरी मंदिर की टाइमिंग है सुबह 4 बजे से लेके रात को 11 बजे तक और यहाँ पे एंट्री फ्री है। अब बात करते हैं उन जगहों की जो कि नेपाल की सेकंड लार्जेस्ट सिटी पोखरा के आसपास है, जिसमें सबसे पहले आता है नंबर 13, पोखरा मार्केट। तो गाइस, हमारी अगली जगह जो है वो है पोखरा की ये मार्केट। जी हाँ, पोखरा का सबसे बड़ा लेक है फीबा लेक और उसी के दो जगह पे दो पार्ट में मार्केट लगती है और वो दो पार्ट है सेंट्रल लेक साइड और नॉर्थ लेक साइड। और अगर आप सेंट्रल लेक साइड में अपना होटल लेते हैं तो
सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि होटल से निकलते ही कभी भी रात को, शाम को, दोपहर को या फिर अर्ली मॉर्निंग आप पूरी मार्केट पैदल घूम सकते हैं। ये सबसे बढ़िया पार्ट है इसका, मतलब चाहे आप गोवा जाओ, चाहे बैंकॉक, चाहे थाईलैंड, वहाँ पे जैसे आपको मेन स्ट्रीट पे पैदल घूमते हो, वैसे नेपाल के पोखरा में मेन स्ट्रीट पे पैदल घूम सकते हो। नेपाल में पोखरा सिटी पूरे साल बहुत सारे टूरिस्ट विजिट करते हैं। अगर आप नेपाल में एक लेजर ट्रिप मारना चाहते हैं तो पोखरा सिटी आपके लिए बेस्ट जगह है घूमने के लिए। अगर आप नेपाल से कुछ खरीदना चाहते हैं तो काठमांडू से ज्यादा सस्ता आपको इस पोखरा मार्केट में मिलेगा। पोखरा की सबसे मेन मार्केट में पैदल घूमना और शॉपिंग करना आप दो जगहों पे कर सकते हैं। पोखरा मार्केट खुली होती है सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 14, पुम्दीकोट शिव मंदिर। नेपाल की सिटी पोखरा से तकरीबन 13 किलोमीटर की दूरी पर है ये टेम्पल, और इस टेम्पल की लोकेशन पोखरा की सबसे बेस्ट लोकेशन में से। पोखरा के जिस हिल पे स्टैच्यू लोकेटेड है, इस हिल से आपको पोखरा का एक पूरा स्काईलाइन व्यू दिखेगा और यहाँ से आपको पूरी की पूरी पोखरा वैली भी दिखेगी। पुम्दीकोट का शिव जी का स्टैच्यू पोखरा की एक बहुत ही बड़ी अट्रैक्शन है, जो कि है साउथ पोखरा में। नेपाल का सबसे बड़ा शिव स्टैच्यू है पुम्दीकोट शिव स्टैच्यू, जो कि समुद्र तट से तकरीबन 1500 मीटर की ऊंचाई पर है। ऐसा माना जाता है कि ये स्टैच्यू बनाया गया था मथुरा में और उसके बाद ये यहाँ पर लाया गया। पुम्दीकोट शिव स्टैच्यू की हाइट है 108 फीट, और नेपाल जहाँ पे 90% हिंदू बसते हैं, उन लोगों के लिए ये जगह बहुत ही पवित्र मानी गई है, क्योंकि इसी जगह से पोखरा का सबसे फेमस फीवा लेक भी साफ साफ दिखता है। पुम्दीकोट शिव स्टैच्यू की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक की, और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 15, वर्ल्ड पीस पकौड़ा। गाइस, हमारी अगली जगह है ये वर्ल्ड पीस पकौड़ा। भाई, वर्ल्ड पीस पकौड़ा वो स्तूपाज हैं जो कि वर्ल्ड पीस के लिए बनवाए गए थे, और जापान के बहुत ही बड़ी बुद्धिज्म फॉलो करने वालों ने ट्राई किया कि पूरे वर्ल्ड में 100 वर्ल्ड पीस पकौड़ा बनाए, और उन्हीं में से एक है ये जगह। पोखरा के एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ की चोटी पे बसा है वर्ल्ड पीस पकौड़ा, जिसे हम पोखरा शांति स्तूपा के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस जगह पे इतनी शांति है कि आप अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकते हैं। वर्ल्ड पीस पकौड़ा पहुंचने के 2 रास्ते हैं, जिसमें से सबसे पहला रास्ता है फीवा लेक से बोटिंग करते हुए आना और वर्ल्ड पीस पकौड़ा की पहाड़ी के नीचे उतरना, जिसके बाद आप तकरीबन 500 सीढ़ियां चढ़ के वर्ल्ड पीस पकौड़ा पहुंच सकते हैं। दूसरा रास्ता है गाड़ी से आना, आप अपनी गाड़ी या स्कूटी से लंबे रास्ते के थ्रू भी वर्ल्ड पीस पकौड़ा पहुंच सकते हैं, जहां से सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग करके आप पोखरा शांति स्तूपा पहुंच जाएंगे। वर्ल्ड पीस पकौड़ा की टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, और यहां आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 16, महिंद्रा गुफा। पोखरा की सबसे फेमस गुफाओं में से एक है महिंद्रा गुफा, जहां शायद आपको टॉर्च लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये गुफाएं इतनी गहरी हैं कि यहां पे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। महिंद्रा गुफाओं के अंधेरी गुफाओं के अंदर अगर आप फ्लैश लाइट के साथ फोटो खींचते हैं तो आपकी बहुत ही अमेजिंग फोटोज आएंगी। जिन भी टूरिस्ट को एडवेंचर पसंद है, उन्हें महिंद्रा गुफा जरूर पसंद आएगी। इन गुफाओं में चलते चलते हो सकता है कि आप जरूर थक जाए, लेकिन ये थकावट आपको वर्थ इट लगेगी। महिंद्रा गुफाओं की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, और यहाँ की एंट्री फीस है इंडियंस के लिए 80 नेपाली रुपीज और बाकियों के लिए 150 नेपाली रुपीज। नंबर 17, गुप्तेश्वर महादेव केव्स। माना जाता है कि 16वीं सदी में ये केव्स बने थे, और बट इनको डिस्कवर अभी रिसेंटली 1991 में ही किया गया है। इस केव्स के अंदर देवी फॉल्स का पानी आता है। जी हाँ, देवी फॉल्स, जो एक और बहुत फेमस जगह है पोखरा की, और इसी अट्रैक्शन के पास आपको बहुत सारी सोविनियर शॉप्स भी मिलेंगी। जब आप अपनी एंट्री टिकट लेके अंदर जाएंगे तब आप एक बहुत ही सुंदर नजारा देखेंगे। जब भी आप ये केव्स घूमने जाएंगे तो सबसे पहले आपको स्पाइरल फॉर्म में दी गई सीढ़ियों से उतरकर केव के मुंह तक जाना पड़ेगा, जिसके बाद आप जमीन के काफी अंदर जाते हुए देखेंगे शिव जी का एक भव्य मंदिर, जिसके और अंदर जाकर आप गुफाओं से निकल पहुंच जाएंगे डेवीज फॉल के वाटरफॉल की तरफ। जी हाँ, डेवीज वाटरफॉल का जो पानी गिर रहा है वो गुप्तेश्वर महादेव केव्स की तरफ ही आता है, और यहाँ से आने के बाद ये पानी कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। गुप्तेश्वर महादेव केव्स पोखरा की उन जगहों में से है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी। गुप्तेश्वर महादेव केव्स की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, और यहाँ आने की एंट्री फीस है 100 नेपाली रुपीज सबके लिए। नंबर 18, डेवीज फॉल्स। मेरे पीछे डेवीज वाटरफॉल की एंट्री है। ये एक बहुत ही सुपर नेचर वाटरफॉल है। ये 500 फीट लंबा वाटरफॉल, जब इसका पानी नीचे गिरता है तो जमीन के अंदर उसने बहुत ही लंबी और बहुत ही गहरी गुफा बना दी है। बहुत ही बड़ा टूरिस्ट पार्क की तरह बना दिया गया है, और उसी के साथ आप यहाँ का देवीज वाटरफॉल देख सकते हैं। गुप्तेश्वर महादेव केव्स में जिस फॉल से पानी आता है उस फॉल का नाम है देवीज फॉल, जिसे हम पाताले चोंगा के नाम से भी जानते हैं, जिसका लिटरल मतलब होता है जमीन के अंदर का वाटरफॉल। वाटरफॉल लवर्स के लिए पोखरा का देवीज वाटरफॉल सबसे बेस्ट जगह है घूमने के लिए। चमकीला नीला पानी जब जमीन के नीचे की चट्टानों से जमीन के अंदर जाता है तो वो दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। जमीन के नीचे का 500 फुट लंबा वाटरफॉल शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा, वो वाटरफॉल आप देख सकते हैं सिर्फ देवीज वाटरफॉल पे। देवीज वाटरफॉल की एंट्री टिकट लेने के बाद
अंदर जाने पे आपको वाटरफॉल के साथ साथ बहुत सारी और भी जगहें देखने को मिलेंगी, जिसमें डेवीज वाटरफॉल के चारों तरफ आपको बहुत ही सुंदर फ्लोरा एंड फौना भी मिलेगा। डेवीज वाटरफॉल की टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, और यहां की एंट्री फीस है 100 नेपाली रुपीज सबके लिए। नंबर 19, फीबा लेक। नेपाल का सबसे सुंदर लेक, अगर पोखरा का फीबा लेक बोला जाए तो गलत नहीं होगा। इस लेक में आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, बोटिंग से लेके जेटस्की से लेके इसी लेक के पास पैराग्लाइडिंग, और इस लेक का लेक व्यू लेके अगर होटल रेस्टोरेंट मिल जाए तो बात ही कुछ और है। इसलिए अगर पोखरा आए तो फीबा लेक जरूर 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 देखें। फीबा लेक नेपाल का सेकंड लार्जेस्ट लेक है, जो कि नेपाल के सबसे पॉपुलर लेक में से एक है। ये सेमी नेचुरल फ्रेश वाटर लेक रानीबाग के बीचों बीच बसा है, जिसमें आपको अन्नपूर्णा पहाड़ी और धौलागिरी पहाड़ी का बहुत ही सुंदर रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलेगा। पोखरा आने के बाद बस एक बोट हायर करें और घूमने निकल पड़े फीबा लेक, क्योंकि इस फीबा लेक से जो नेपाल की पहाड़ियों का नजारा मिलता है वो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा सनसेट जो कि आप सिर्फ सपनों में या फिर ड्राइंग की बुक्स में ही देखा करते हैं, वो नजारा आपको देखने को मिलेगा फीबा लेक में। फीबा लेक घूमने का सबसे सही समय है दिन के समय, और यहाँ पर आपको 1 से 1.5 घंटे की बोटिंग जरूर करनी चाहिए। फीबा लेक पूरे दिन खुला होता है और इसे देखने की कोई फीस नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे, जिसके पैसे बोट के हिसाब से डिपेंड करते हैं। नंबर 20, सारंगकोट। गाइस, हमारी अगली जगह है ये, इस जगह का नाम है सारंगकोट व्यू पॉइंट। जी हाँ, सारंगकोट व्यू पॉइंट से पूरा का पूरा पोखरा दिखता है, पूरा वर्ल्ड आई व्यू दिखता है, पूरा का पोखरा लेक जो फीबा लेक है वो पूरा दिखता है, और दिखता है ये बेहतरीन नजारा। ये नजारा अभी पूरी तरह विजिबल नहीं है क्योंकि अभी बारिश हो रही है और बादलों ने पूरा ढक रखा है, लेकिन यहाँ से पूरी हिमालयन रेंजेस दिखती है। सारंगकोट पोखरा के आउटस्कर्ट्स में बसा एक छोटा सा विलेज है, जो कि फेमस हुआ है अपने बेहतरीन नजारों की वजह से। सारंगकोट आपको एक ब्रेथ टेकिंग और सुंदर व्यू देता है अन्नपूर्णा और धौलागिरी पहाड़ों का। समुद्र तट से तकरीबन 1600 मीटर की ऊंचाई पे बसा है सारंगकोट, और ये जगह पोखरा के एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करने के लिए भी सबसे बेस्ट जगह है। यहाँ पर आपको पैराग्लाइडिंग, पैरा मोटरिंग, जिप लाइन और ऐसे बहुत सारे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करने को भी मिलेंगे। सारंगकोट में दुनिया की सबसे फास्टेस्ट जिप लाइन भी आपको करने को मिलेगी। अगर आप नेपाल में एडवेंचर ढूंढ रहे हैं तो सारंगकोट ही वो जगह है। सारंगकोट पूरे दिन खुला होता है, लेकिन यहाँ आने का बेस्ट समय होगा दिन के समय, और सारंगकोट की एंट्री बिल्कुल फ्री है। नंबर 21, हैंगिंग ब्रिज। गाइज, ये है हमारी अगली जगह, इस जगह का नाम है हैंगिंग ब्रिज। जी हाँ, पोखरा का सबसे लंबा ब्रिज है ये, जो कि जोड़ता है पोखरा के दो टाउनों को। 500 मीटर से ज्यादा लंबा ये ब्रिज पोखरा की एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, जिसको बहुत सारे लोग तो नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर आने के बाद यहाँ का व्यू लेकर आपको पता चल जाएगा क्यों ये हमारी लिस्ट में इंक्लूड की गई। नेपाल की पोखरा सिटी में आपको एक सिंगल हैंगिंग ब्रिज भी मिलेगा, जिसे एक सस्पेंशन केबल हैंगिंग ब्रिज भी बोला जाता है, जो कि 2016 में बनवाया गया था। इस हैंगिंग ब्रिज के बीचों बीच जाकर यहाँ के नजारे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ये हैंगिंग ब्रिज वेट ले सकता है 85 मेट्रिक टन का। हैंगिंग ब्रिज पूरे दिन खुला होता है और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 22, इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम। जिन लोगों को पहाड़ पसंद है और पहाड़ों की ट्रैकिंग पसंद है, उन्हें इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम बहुत पसंद आएगा। पोखरा में स्थित इस म्यूजियम में आप देख सकते हैं बहुत बड़ा कलेक्शन माउंटेन आर्टिफैक्ट्स का। जो लोग माउंटेन ट्रैकिंग या माउंटेनिंग करना चाहते हैं, उनके गियर्स, उनकी स्टोरी और उनके फोटोग्राफ्स, सब कुछ आपको इस म्यूजियम में देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और इस जगह की एंट्री फीस है इंडियंस के लिए 200 नेपाली रुपए और बाकियों के लिए 400 नेपाली रुपए। नंबर 23, रूपाताल लेक। रूपाताल लेक फ्रेश वाटर का एक बहुत ही सुंदर लेक है, जो कि पड़ता है नेपाल की कास्की डिस्ट्रिक्ट में, जो कि पोखरा के आउटस्कर्ट में पड़ती है। ये लेक इतना सुंदर है कि इसे कुदरत का करिश्मा भी कहा जाता है। रूपा लेक या फिर रूपाताल समुद्र तट से तकरीबन 600 मीटर की ऊंचाई पे है, जो कि 1.35 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। रूपाताल पूरे दिन खुला होता है और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 24, बैगनस ताल। बैगनस ताल या फिर बैगनस लेक नेपाल का तीसरा सबसे बड़ा लेक है। इस ताल को एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप का और सुंदर वादियों के व्यू का आशीर्वाद मिला हुआ है। इस लेक के एक तरफ खुदी कोला डैम बना हुआ है, जो कि पानी का लेवल रेगुलेट करता है। इस लेक पे बोटिंग करते हुए आपको नेपाल की फेमस हिमालयन रेंजेस को देखने का मौका भी मिलेगा। बैगनस ताल पूरे दिन खुला होता है और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 25, विद्यावासिनी मंदिर। पोखरा का सबसे पुराने मंदिरों में से एक है विद्यावासिनी मंदिर। ये टेम्पल डेडिकेटेड है माँ विद्यावासिनी के लिए, जो कि माँ काली का एक स्वरूप मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि 18वीं सदी में इस मंदिर को बनवाया था राजा पृथ्वी नारायण शाह जी ने, और आज के दिन ये मंदिर पोखरा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजियस सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। पोखरा के आउटस्कर्ट्स में एक हिल टॉप पे बसा है विद्यावासिनी मंदिर, जहाँ से आपको हिमालयन रेंजेस का एक बहुत ही सुंदर व्यू भी देखने को मिलेगा। विद्यावासिनी मंदिर की टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। अब बात करते हैं उन जगहों की जो कि नेपाल में बाकी लोकेशन पे सबसे ज्यादा फेमस है, जिसमें सबसे पहले आता है नंबर 26, जनकपुर धाम। हम में से शायद
शायद हर कोई जानता है श्री राम को और हर कोई जानता है उनकी धर्म पत्नी सीता जी को। ऐसा माना जाता है कि नेपाल में बसा जनकपुर धाम सीता जी का मायका था। जी हाँ, सीता जी के पिता श्री जनक नरेश का राज था जनकपुर धाम में और नेपाल का जनकपुर धाम इसीलिए एक धार्मिक स्थल बना हुआ है। हालांकि टूरिस्ट के बीच ये जगह ज्यादा फेमस नहीं है क्योंकि ये नेपाल की कैपिटल काठमांडू से काफी दूर है और यहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लग सकता है। हालांकि जनकपुर धाम में आपको एयरपोर्ट भी मिलेगा जहाँ के लिए आप काठमांडू से डायरेक्ट रिटर्न फ्लाइट भी बुक कर सकते हैं। जनकपुर धाम जाते ही आपको याद आएगी श्री राम की, माता सीता की, हनुमान की और रामचरितमानस के हर उस किरदार की जो कि आपने रामायण में सुने होंगे। जनकपुर धाम में आपको काफी सारे मंदिर देखने को मिलेंगे जिनकी टाइमिंग है सुबह 5:30 बजे से लेकर 11 बजे तक की और शाम को 4:30 बजे से लेकर 9 बजे तक की। यहाँ पे हर मंदिर में जाना बिल्कुल फ्री है। जनकपुर धाम के हर मंदिर की हमने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके जरूर देखें। नंबर 27, मुक्तिनाथ मंदिर। समुद्र तट से तकरीबन 3,800 मीटर की ऊंचाई पे बसा है मुक्तिनाथ मंदिर। ये मंदिर नेपाल के मुस्तैंग रीजन में स्थित है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है। मुक्तिनाथ मंदिर हिंदू और बुद्धिज्म की एक बहुत ही बड़ी सेक्रेट साइट है। मुक्तिनाथ मंदिर से आपको दिखेगा हिमालयन रेंजेस का एक बहुत ही बेहतरीन व्यू और तिब्बतन प्लेटू की नॉर्थ साइड। मुक्तिनाथ मंदिर का सबसे मेन मंदिर है विष्णु जी का मंदिर जो कि पगोड़ा स्टाइल में बना है। इस मंदिर में आपको दर्शन करने को मिलेंगे विष्णु जी के, सरस्वती माता के, जानकी जी के, गरुड़ा जी के, लव और कुश के और सप्तऋषि के। मुक्तिनाथ मंदिर के बाहर के कोर्टयार्ड में आपको 108 बुल के फेस में नल मिलेंगे जहां से पानी लगातार बहता है। मुक्तिनाथ मंदिर की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक और यहां आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 28, एवरेस्ट बेस कैंप। एक ट्रैकिंग ऐसी है जहां आप भी जरूर जा सकते हैं और उस जगह का नाम है एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैकिंग। जी हां, एवरेस्ट की ट्रैकिंग शुरू करने से पहले आप एक बेस कैंप पहुंचते हैं जहां से आपको माउंट एवरेस्ट की ट्रैकिंग शुरू करनी होती है। लेकिन उस बेस कैंप पहुंचने के लिए भी आपको एक बहुत लंबी ट्रैकिंग करनी होती है जो कोई भी हेल्दी बंदा कर सकता है। नेपाल के मैप में आपको एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैकिंग के नक्शे पे एक बहुत फेयरली और इजी ट्रैक दिखेगा जिसमें रास्ते में आपको काफी सारे विलेज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की दुकानें भी मिलेंगी। वैसे तो एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैकिंग करने में यूजुअली लगते हैं 8 दिन, लेकिन इस 63 किलोमीटर वन वे की ट्रैकिंग में कई बार बहुत सारी डिलेज भी हो जाते हैं क्योंकि ये ट्रैकिंग है समुद्र लेवल से तकरीबन 4000 मीटर ऊपर की। इसलिए ये ट्रैकिंग करते हुए आपको बहुत ही स्लो और स्टडी वॉक करनी पड़ती है। इस ट्रैकिंग में आना और जाना आपको पड़ सकता है तकरीबन 128 किलोमीटर का और ये ट्रैकिंग पूरे करने में आपको 12 से 14 दिन भी लग सकते हैं। 1 अप्रैल 2023 से नेपाली गवर्नमेंट ने सोलो ट्रैकिंग करना वर्जित कर दिया है। इसलिए अगर आपको एवरेस्ट बेस कैंप तक की ट्रैकिंग करनी है तो आपको उसके लिए एक ट्रैकिंग गाइड को हायर करना ही पड़ेगा। एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैकिंग बुक करने से पहले आप वहां की लोकल ट्रैवल एजेंट्स को कॉल करके वहां के लेटेस्ट रूल का भी पता कर लीजिए क्योंकि एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैकिंग के रूल्स हर दिन बदलते रहते हैं। एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैकिंग जहां से शुरू होती है वहां तक आप काठमांडू से एयरपोर्ट बाय प्लेन भी पहुंच सकते हैं जिसमें आप लैंड करेंगे लोकला एयरपोर्ट पे या फिर तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट पे और इसी एयरपोर्ट से 13 से 15 दिन की ट्रैकिंग करके आप एवरेस्ट बेस कैंप पहुंच सकते हैं। नंबर 29, लुम्बिनी। गाइस, हमारी अगली जगह जो है जो कि नेपाल की है वो है बहुत ही फेमस और बहुत ही स्पेशल जगह है। वो इतनी स्पेशल है कि पूरी दुनिया की वो एक ही स्पेशलिटी है। जी हाँ, उस जगह का नाम है लुम्बिनी जिसे कहते हैं हम बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। मेरे पीछे जो आप टेम्पल देख रहे हैं वो लुम्बिनी में पड़ता है नेपाल में और वो बर्थ प्लेस है बुद्धा जी की। जी हाँ, लॉर्ड बुद्धा जो भगवान बुद्धा थे उनका जन्म यही लुम्बिनी में नेपाल में हुआ। लुम्बिनी नेपाल की वो जगह है जहाँ पर आप बाय कार और बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं, बाय बस भी आ सकते हैं। तो आप फ्लाइट लेकर भैरवा एयरपोर्ट तक आ सकते हैं या फिर बाय कार लुम्बिनी तक आए और दर्शन करें। नेपाल का लुम्बिनी वो जगह है जहाँ पर पैदा हुए थे भगवान बुद्धा। जी हाँ, लुम्बिनी है बर्थ प्लेस सिद्धार्थ गौतम बुद्धा की और ये जगह यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन चुकी है। हालांकि यहाँ पे बुद्धा जी की जन्म स्थल के साथ साथ काफी सारे बुद्धिस्ट टेम्पल, मॉनेस्ट्रीज और मंदिर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके की श्राइन जिसमें श्राइन्स हैं म्यांमार की, वियतनाम की, कंबोडिया की, यहाँ तक की फ्रांस की भी। लुम्बिनी में काफी बढ़िया होटल्स और रेस्टोरेंट्स तो नहीं है, इसीलिए आप लुम्बिनी घूमने का प्रोग्राम पूरे दिन का रख सकते हैं और शाम को वापस जा सकते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। लुम्बिनी आज के समय नेपाल के लोकल और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है और ये जगह नेपाल के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक बन चुकी है। लुम्बिनी की यह जगह पूरे दिन खुली होती है और यहाँ की एंट्री फीस है इंडियंस के लिए फ्री और बाकियों के लिए 500
नेपाली रुपीज। इन सारी जगहों की एग्जैक्ट लोकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल मैप्स की लिस्ट की लिंक में मिल जाएगी, तो उस लिंक को क्लिक करें और जाके देखें इन सारी जगहों की एग्जैक्ट लोकेशन गूगल मैप्स पे। तो गाइज ये थी हमारी टॉप प्लेसेस टू विजिट इन नेपाल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं है तो सब्सक्राइब करें। कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखें, हम अपने कमेंट के हर सवाल का जवाब देने की कोशिश जरूर करते हैं। फिर भी कोई सवाल रह जाए तो हर सैटरडे होने वाला हमारा लाइव सेशन अटेंड करें, फेस टू फेस सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे। और आपको लगता है वीडियो किसी के काम आई है तो शेयर जरूर करें, और हमारा ज्वाइन बटन या थैंक्स बटन क्लिक करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, या फिर डाउनलोड करें हमारी अनुज बकेट की ऐप। और इसी तरीके से हमने टॉप प्लेसेस टू ईट इन नेपाल और नेपाल की कंप्लीट ट्रैवल गाइड, ये सारी जगह घूमने का अच्छा सही तरीका क्या होगा, वो भी वीडियो भी बना रखी है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके जरूर देखें। तो वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन, बी वेल, नमस्ते। हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन